शुरुआती में बड़ी विरोध किए थे। हाँ, अब तो अब लग रहा है कि अब देखने जाइएगा। अफवाहें सुन के, अफवाह सुन के, हाँ अफवाह था, लेकिन ऐसा इस मूवी में कुछ है नहीं। ये देशभक्त है मूवी, देशभक्ति है, देशभक्ति है। जब कहेंगे लोग टिकट कटवा दीजिए तो कटवा दीजिएगा, एकदम हजारों हजार पूरा सिनेमा हॉल बुक कर देंगे। शाहरुख खान देशभक्त आदमी है, है, है? अरे अच्छा मूवी है। हाँ। पठान इसको देखिए, देशभक्त, देशभक्ति का ये सिनेमा है। शाहरुख खान एक ब्रांड है देश के, जब हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बाहर से भी क्यों उम्मीद करेंगे। पठान फिल्म रिलीज हो चुका है और उसके बाद में पहले दिन का जो कलेक्शन हुआ है वो 55 करोड़ समथिंग रुपए का कलेक्शन हो चुका है। भारत का सबसे ज़्यादा कमाने वाला फिल्म है, वन डे का है। बाकी यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन करेंगे कि लोगों से पूछेंगे कि ये फिल्म पहले जो विरोध हो रहा था अब विरोध नहीं हो रहा है। भाई साहब, पहले तो आज रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब ये सिर्फ एक मूवी नहीं रहा। हाँ। ये मूवी एक मैसेज है जो तमाम जो बायकॉट करने के लिए लोग निकले थे उनको एक जवाब है कि आप गुमराह हो रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज मूवी नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने भी इस मूवी का बायकॉट को कर रहे थे, उन लोगों का आलोचना किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। 25 सिनेमा थिएटर बंद हो गए थे इस मूवी के कारण, उनको आज फिर से ओपनिंग मिली। इतनी बड़ी ओपनिंग इंडियन सिनेमा में, ये पहला मौका है जो इतने बढ़ोतरी के साथ, इतने एडवांस बुकिंग के साथ ये रिस्पेक्ट दिला रहा। शाहरुख खान एक ब्रांड है देश के, जब हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बाहर से भी क्यों उम्मीद करेंगे। रंग से धर्म का क्या लेना देना, ऐसा हरा पत्ती अगर बोले मुसलमान अगेरुआ रंग फिर सबका, ऐसे नहीं होता। रंगों के आधार पे आप लोगों को नहीं बांट सकते हैं। लोग तो कह रहा था ना कि ये देशभक्त आदमी नहीं है, ये देशद्रोही है, ये भगवा का अपमान कर रहा है, इसने बिकनी पहनाया है दीपिका पादुकोण को। ये पहला मौका है ऐसा, रंग से धर्म का क्या लेना देना, ऐसा हरा पत्ती अगर बोले मुसलमान अगेरुआ रंग फिर सबका, ऐसे नहीं होता। रंगों के आधार पे आप लोगों को नहीं बांट सकते हैं। ये देश प्यार मोहब्बत के चलने वाला है, अब प्यार मोहब्बत के ही चलेगा। मूवी को मूवी की तरह देखिए, उसको धर्म की तरह मत देखिए। रंग से क्या, उसमें हर रंग का लोग हर लोग पहन रहा है। अब जिनके बाजू में खड़े हैं ये पुरजोर विरोध किए थे, गोल्डमैन नाम है इनका और बहुत फेमस है। आप शुरुआती में बड़ी विरोध किए थे, अब तो अब लग रहा है कि अब देखने जाइएगा। अफवाहें सुन के, अफवाह सुन के, हाँ अफवाह था, लेकिन ऐसा इस मूवी में कुछ है नहीं। ये देशभक्त है मूवी, देशभक्ति है, देशभक्ति है। हाँ। उस पे गया है ये मूवी, या सारा लोग का रिव्यू आया। हाँ। हमने सुना, हमारे भाई बंधु मित्र हमसे भी बोले कि भैया इसमें कुछ है नहीं, ये बहुत अच्छा मूवी है, ये देशभक्ति पे मूवी है, तो जरूर देखेंगे। देखने जाइएगा, एकदम जाएंगे और लोगों को दिखाएंगे भी। लेकिन ये शुरू में र्यूमर जिस तरह से फैलाया गया भगवा का अपमान, हर चीज पर र्यूमर होता है भैया। र्यूमर तो हर चीज पे, जब अच्छा चीज करने जाइएगा तो हर चीज पर र्यूमर होता है, तो र्यूमर के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है र्यूमर ये है क्या। तो रिजल्ट आया तो ये पता चला कि ये गलत था। शाहरुख खान देशभक्त आदमी है, है देश के, जो जब देशभक्ति ये पिक्चर बनाया लोगों के बीच आया तो बोलेगा ही लोग कि अब देशभक्त है। जो देशभक्ति पे बनाया तो लोग बोलेगा ही भाई, सब लोग बोलता है। करोड़ रुपए कमा लिया, अरे लाख हजार करोड़ कमाए। हाँ। ये सारे भारतवासियों के सर लोग को दुआ है, लाख हजार शाहरुख करोड़ कमाए, एकदम कमाए। और देश ऐसे ही देशभक्ति के लिए ये सब करते रहे। अक्षय कुमार का फिल्म फ्लॉप हो जा रहा है, शाहरुख खान का फिल्म हिट हो रहा है। आप लोग तो पहले शुरुआती में अक्षय कुमार के फिल्म का बड़ा ही प्रमोशन करते थे। अरे ऐसा कुछ नहीं, क्या क्या बोल रहा है, अब कहाँ घुसा दिए, जो चीज के लिए अब आप पूछ रहे हैं वो चीज पूछिए ना। अब बोलिए सन्नी देओल, अक्षय कुमार, अरे सब लोग का क्या है, जो जैसा काम करता है ऐसा फ्लॉप होगा, हिट होगा, ये तो चलते रहता है भैया, ये सब पर मत जाइए। अरे अच्छा मूवी है पठान, इसको देखिए, देशभक्ति का ये सिनेमा है, और लोगों से बोलिए, आग्रह करिए, देखिए। कब देखने जा रहे हैं बिहार के गोल्डमैन, कब जा रहे हैं देखने? जल जाएंगे भाई बंधु मित्र सबके साथ जाएंगे, जब इन लोग का इच्छा होगा, जब हम लोग का टाइम मिलेगा। जब कहेंगे लोग टिकट कटवा दीजिए तो कटवा दीजिएगा, एकदम हजारों हजार पूरा सिनेमा हॉल बुक कर देंगे। अकेले अकेले हजारों लोग का सिनेमा बुक कर दीजिएगा। अरे कितना लगेगा अकेले बुक करने में, 2 लाख 4 लाख 5 लाख, इससे भी ज्यादा? एक सोना बेच देंगे तो हो जाएगा। क्यों, यही है, केवल सोना ही है ये बिहार के, हम सिनेमा देखने के लिए बिहार का धरोहर, बिहार का इज्जत, बिहार का मान सम्मान बेच दे, ये सब बात क्या मैंने। हाँ, जब इतना ही हमारे देशभक्ति पे ये सिनेमा है तो जरूर देखेंगे, अब भाइयों सबको दिखाएंगे,
पूरा सिनेमा हॉल को जितना लोग रहे दिखाएंगे तो ये बेच के ही दिखाएंगे। सीधा सीधी कह रहे हैं कि जो भी होगा देश के लिए जितना भी होगा दिखाएंगे। बाकी इधर लोग हैं, इन लोगों से भी बातें कर लेते हैं। भैया आप लोग देखे